अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है मुबैना तौर पे। ये सारे मिलकर भी अगर भी तारिक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये कॉफिया निकाल के टप्पे लगा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान क्या आ जाए इलेक्शन, ये हमसे नहीं जीत सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का एक अहम दिन, यहाँ पर जनाब बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद हुए 17 अज़ला में। वोटिंग दिन भर जारी रही शाम 5 बजे तक, जिसके बाद नतायज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अभी तक बहुत वाज़ेह नतायज तो नहीं आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तहसीलों से, मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो देहाती इलाके हैं वहाँ से भी नतायज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये फैसला कर सकें कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है और कौन सी पार्टी पीछे जा रही है। बहरहाल एक दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट ज़रूर आए हैं पेशावर के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे, बन्नू के हवाले से उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर सारा दिन पोलिंग की बात की जाए तो कुछ अफसोसनाक वाक़यात ज़रूर पेश आए। एक जगह पर हमने देखा कि फायरिंग भी हुई और लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी हुए, 4 अफराद जहाँ भाग हुए हैं आज के दिन इस सारे लड़ाई झगड़ों के नतीजे में। और इसके साथ साथ कहीं हमने ये भी देखा कि कुछ नज़्म व ज़ब्त की भी कमी नज़र आई, ख़वातीन के वोट डालने की शरह भी कुछ इलाकों में तो बिल्कुल ना होने के बराबर थी और कुछ इलाकों में बहुत कम थी, लेकिन ओवरऑल एक जोशो खरोश देखा गया लोगों में। अच्छा एक बलदियाती इलेक्शन था जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सियासी जमातें लोगों को घरों से निकालने में किस हद तक कामयाब हुई या नहीं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कितने सालों से यहाँ पर अब जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा है तो अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकी है या फिर इसको एक कुछ ऐसा कहा जाए कि खतरे की घंटियाँ बजती नज़र आ रही है, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। इमरान साहब की तरफ पहले जाऊँगी। इमरान साहब, खुशाइंद है कि बहरहाल जमहूरियत एक कदम और आगे बढ़ रही है, पनप रही है इस मुल्क में, और ना सिर्फ ये कि अब जनरल इलेक्शंस हमारे टाइम पर होते हैं, सूबाई इलेक्शंस हमारे टाइम पर होते हैं, बाई इलेक्शंस भी होते हैं, सेनेट इलेक्शन भी होते हैं, और अब बल्दियाती इंतखाबात भी अल्लाह करे किसी तरह टाइम पे होना शुरू हो जाए, लेकिन आज ओवरऑल जो लोगों में जोश व खरोश आपने देखा, जिस तरह से टर्न आउट रहा, उससे आप कितने मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया कि 4 जाने जो चली गई वो बड़ा अफसोसनाक है। जमहूरियत तो आपको बर्दाश्त सिखाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से जमहूरियत जो है ना पनप नहीं सकी कि लोगों में बर्दाश्त हो और एक दूसरे को बात बर्दाश्त करने का हौसला हो। और फिर शिबली फराज जो हमारे वफाकी वजीर हैं, उनकी गाड़ी पे जो हमला हुआ, बाज़ इतलात के मुताबिक फायरिंग हुई, बाज़ के मुताबिक पथराव हुआ, बाज़ के मुताबिक दोनों चीज़ें हुई और उनके ड्राइवर और गनमैन जख्मी हुए, अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद बच गए। ये सारी चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं, इनको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। बड़ी अच्छी बात है, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो असल में इसलिए होना ज़रूरी हैं कि इससे मुकामी हुकूमतें जो बनती हैं, आम आदमी का जो मसला है, सफाई का, गली की बनाई का, नाले के बनने का, ये जितने छोटे मोटे उसके इश्यूज़ हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सेहत का, तालीम का, जो बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस मसले में हल हो सकती हैं अगर आपका बल्दियाती निज़ाम ठीक हो। तो मुकामी हुकूमतें जो हैं उनका बड़ा होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इनका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। अब आज जो इलेक्शन हुआ है, अगर पर्टिकुलर आज की बात करें तो आज 61 तहसीलें हैं जिनमें ये आज इलेक्शन हुआ है। अब असल में ये इम्तहान है PTI का, तहरीके इंसाफ के लिए इम्तहान क्या है, उसकी मकबूलियत का इम्तहान है। वो हकूमत का हिस्सा नहीं है, पिछले 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि उसकी हकूमत है PTI की वहाँ पे KP में। अब उन 8 सालों में क्या वहाँ का वोटर भी ख़ास तौर पे इन 3 सालों में, 3.25 सालों में महंगाई से मुतासिर हुआ हो के उनसे नाला है या अभी उसी तरह से इंटेक्ट है? आज के जो नतीजे हैं वो ये भी बड़ी चीज़ वाजे करेंगे। और फिर आप ये देखें, इसके अलावा ये है कि अगर आज PTI जीत जाती है तो वो कह सकेंगे कि देखें जनाब, हमारा वोटर जो है वो अगर पंजाब में ये नून लीग कहती है कि हमारा वोटर इंटैक्ट है, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा वोटर इंटैक्ट है, तो हमारा भी वोटर
हमारे साथ इंटैक्ट है, अनलाइक खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक जो कि हमने देखा है कि कभी भी किसी को सेकंड टर्म नहीं उन्होंने दी, इन्हें फर्स्ट टाइम मिली थी, इन्हें दी थी। अब इनके लिए ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा अगर ऐसा मकबूलियत को झटका लगता है, और अगर इनको नशिस्तें कम मिलती हैं तो फिर जो है ना इनके लिए एक सवालिया निशान जरूर होगा। दूसरा इसके अलावा ये है कि ठीक चले मैं जरा एक व्यू एक हिलाल साहब का भी ले लूं और उसके बाद फिर जाहिर है डिटेल में भी बात करेंगे। हिलाल साहब आप समझते हैं कि लोकल बॉडीज का ये इलेक्शन होना वाकई स्ट्रेंथन करेगा वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको, और लोगों के डोर स्टेप पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकेंगे? स्पेशली केपी में तो वो हमेशा पीटीआई बड़ा क्रेडिट लेती है कि जनाब हमारा जो लोकल बॉडी सिस्टम था वो सबसे ज्यादा यूं कहा जाए कि स्ट्रेंथन करता था नीचे तक लोगों को, तो ये कैसे आप इसको देखते हैं? अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होता और अगर जमहूरियत को एडवांस नहीं करता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट नहीं होता। तो ये कहना कि ये अच्छा सिस्टम है कि नहीं, इसका मकसद नहीं है कि हम इधर फैसला करें, ये फैसला हो गया है और बड़ा अच्छा सिस्टम है और वाकई अच्छा है अगर उस स्पिरिट में चलाएं, और वो स्पिरिट में ना चलाएं जो कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस चला रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब चीज अपने हाथ में रख के उनको, जैसे मैंने उस दिन कहा था, वो लेबोरेटरी कलेक्शन सर्विसेज दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट इज वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूं इधर क्या हुआ। चार लोग मारे गए बन्नू में इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, सिक्योरिटी सिचुएशन इलेक्शन कमीशन कह रही है डेवलप हो गया। एक पोलिंग ऑफिसर और उनका जो मियां है वो अरेस्ट हो गए। दो काउंसिल्स पिशावर में सस्पेंड हो गया, और जैसे इमरान याकूब ने कहा शिबली पे भी अटैक हो गई, शिबली हमारे मिनिस्टर साहब पे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, इट्स डिसग्रेसफुल। अगर लोकल गवर्नमेंट होटल 17 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में ये हो रहे हैं तो जनरल इलेक्शंस में इधर क्या होगा? तो वो बड़ा हंसा, कहने लगा ये तो एक एक्सलेंट, कहता है फिक्र मुझे तो बड़ा वायलेंट सोसाइटी है, तो कुछ नहीं हुआ है, इसके माने लोग ठीक ठाक वोट कर रहे हैं। मैंने फिर एक और आदमी से पूछा, मैंने कहा यार ये लड़ाई किस पे बात हो रही है, सोचिए किस चीज पे लड़ाई हो रही है, ठप्पे पे, बैलेट बॉक्सेस और ठप्पास, प्रिसाइसली वो चीज जो अगर ईवीएम्स आए नहीं होगा, बैलेट बॉक्स भी नहीं होगा और ठप्पा भी नहीं लगेगा और फौरन डिक्लेयर होगा। आज हम किस बात डिस्कस कर रहे हैं, 10 बज रहे हैं और कोई हमारे को इलेक्शंस पता नहीं है रिजल्ट्स, क्यों नहीं पता है भाई? 71 आप कह रहे हैं 61 सीट्स, कुछ नहीं पता है, 5 घंटे हो गए और कुछ नहीं पता है, क्यों गिनती हो रही है? फॉर गॉड सेक, अगर आप अभी भी ईवीएम्स का मतलब ना जाने तो कभी नहीं जानेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए मैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ पिशावर आमिर शहजाद मौजूद हैं, तो मैं जरा ओवरऑल एक लेती हूँ आज का दिन कैसा गुजरा और इस वक्त क्या हो रहा है। आमिर, काफी हलचल हम देख रहे थे आज सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा में, और काफी लोगों में जोश व खरोश भी नजर आ रहा था, लेकिन आप ग्राउंड पर मौजूद थे, मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी करते रहे, ओवरऑल आपने क्या देखा? लोग एक्साइटेड थे इस इलेक्शन के लिए, और इतनी ही बदनज़मी थी जिसका जिक्र हिलाले साहब भी कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा इलेक्शन नहीं था इस हिसाब से कि इंतजाम सही नहीं था। जी शुक्रिया समीना। पहली मैं बात करता चलूंगा जफर हिलाली साहब ने जो जिस पॉइंट की तरफ बात की, यकीनन जो आज का इलेक्शन था उसको अगर हम एक नाकाम इलेक्शन कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दावे बड़े किए गए थे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है, इंतजाम अच्छे किए गए हैं, वोटर्स को मुश्किलात नहीं होगी, लेकिन इसके बरक्स ज़मीनी हकायक कुछ और ही हैं। बात कीजिए अगर पिशावर समेत जो दीगर अजला हैं वहाँ पर हमने ये सूरत हाल देखी कि वहाँ पर खवातीन को वोट डालने से रोका गया, जो लोग मुझे तो लग रहा है अभी भी आपकी बैकग्राउंड में हवाई फायरिंग हो रही है, सुबह से लोग अपने घरों से निकल के सर्दी में ठंड के मौसम में आए और वोट पोल करने के लिए आए, खास जज्बा लेकर आए, लेकिन चूंकि हर एक बंदे ने 6 वोट पोल करने होते थे तो जो पोलिंग अमला था उनकी सुस्त रवि बहुत ज्यादा देखने में आज आई है। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि बदनज़मी की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा का एक मेन हब है, सबसे ज्यादा मसले मसाइल हमने यहां पर ही देखे, और वो मसले यही थे कि यहां पर
कहीं पर जो है खवातीन को अंदर जाने से रोका जा रहा है तो कहीं पर मर्द हजरात जो है उनको वोट ही पोल करने नहीं दिया जा रहा था। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं वो भी दिन भर आपस में जो है उलझती रही हैं और उन्होंने भी रही सही कसर पूरी की है। तो यकीनन जो आज का इलेक्शन था, आज का जो दिन था वो अगर बात की जाए, अच्छा आमिर अभी भी आपके अकब में मुझे फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, ये कोई जीतने वाले जश्न मना रहे हैं, ये इसी वजह से फायरिंग हो रही है? जी बिल्कुल, जब्त इखलाव की खिलाफ वर्जियां खुलम खुलम जारी है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर हमारे सामने पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें जो है गश्त कर रही है, लेकिन मेरे पीछे जो आप आवाजें सुन रही है जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप इससे वाजे मिसाल देखें कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, जब्त की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इन लोगों को कंट्रोल करने वाला कहीं पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इंतजामिया हमने आज देखा आमिर तौर पर नाकाम दिखाई दी है, और आमिर जी इंतजामिया तो नाकाम रही है, आज इंतजामिया तो नाकाम रही है। आप मुझे ये बताएं कि पिशावर में और नौशहरा में आज जो हुआ उसको आप किस हवाले से देखते हैं? अभी जो इतलात हैं यहाँ पिशावर में कहा यह जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे हैं वोटों में, जितना रिजल्ट अभी आया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, क्या सिचुएशन है? जी इमरान साहब, ऐसा है कि सुबाइद अलहुकूमत पिशावर में इस वक्त JUI के जो उम्मीदवार हैं आजी जुबैर अली वो लीड पर जा रहे हैं, करीबन 15,000 से जायद वोट जो उन्होंने लिए और 65 जो पोलिंग स्टेशन है उनका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। इसी तरह अगर बात की जाए सवाबी में तो एक बड़ा सियासी खानदान जिसका ताल्लुक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से है उसको भी शिकस्त का इस वक्त सामना है सवाबी के अंदर। अगर मर्दान की बात की जाए तो मर्दान में जो जिला आमिर एक सेकंड, आपने अभी जो स्वाबी का जिक्र किया तो तहसील रजर जो है जहाँ पे वो जीत शहराम तरकई के चचा जो थे वो हार गए हैं और बुलंद इकबाल जीत गए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था ये या नहीं, ये अपसेट हुआ है कोई? ये अपसेट हुआ है चूंकि लोग जो हैं वो चेंज चाह रहे थे और लोगों के पास तब्दीली का यही मौका था कि वो बल्दियात के अंदर अपनी पावर बता सके कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये रिवायत रही है कि जो जमातें आई हैं उनको दोबारा इक्तदार नहीं दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दूसरी बार भी मौका दिया कि तब्दीली आ सके। तो आज उसी के समरात हैं कि हम सवाबी में देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो हुक्मरान जमात से नाला दिखाई दे रहे थे, और यही वजह है कि तरकई खानदान ने काफ़ी भाग दौड़ की थी, उनकी कंपेन काफ़ी अच्छी रही थी और बुलंद जो तरह गई है वो इस वक्त शिकस्त उनको हो चुकी है और उनके अपोजिट जो ANP के उम्मीदवार थे वो कामयाबी। लेकिन खैर जाहिर है अभी मजीद नतीजे आएंगे तो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात का एनालिसिस किया जाएगा कि आवाम किस हद तक नाराज हैं या नहीं है, या ये कोई एक आध जही ऐसा अपसेट है। आमिर आपका शुक्रिया, और मजीद भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते रहेंगे कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है उनसे जान सके। लेकिन लाल साहब ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेशावर जो कि गढ़ है और जाहिर है सूबाईदार हुकूमत है, वहां पर भी हम देख रहे हैं JUIFA का मतलब कैंडिडेट जो है वो जीत रहा है। बड़ा ये आपके लिए एस्टॉनिशिंग नहीं है कि मौलाना साहब के अगेंस्ट तो पूरी PTI आपको मालूम है कि कैंपेन चलाती है और वो पेशावर में जीत रहे हैं और सवाबी में जो है वहां पर भी मिनिस्टर साहब के चचा को शिकस्त हो रही है, तो इज इट अलार्मिंग फॉर PTI? जी बिल्कुल, ये आपने जो कहा बड़ा अच्छा सवाल था आपका, और एक चीज मैं कह दूं बिल्कुल PTI के लिए अलार्मिंग होना चाहिए, और जैसे मैं कल कह रहा था महंगाई का असर पड़ेगा और पड़ रहा है और अंडरस्टैंडेबली पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि धांधली नहीं हो रही है, ये हम जो सुन रहे हैं एक्यूजेशंस ये रिगिंग का दो पिशावर काउंसिल्स में सुना है और एक जगह तो पोस्टपोन हो गया है, मगर फिर भी इतना रिगिंग नहीं हो रहा है, नहीं तो इधर तो रुक सकता था, एवरीथिंग कुड हैव स्टॉप्ड। तो अच्छी बात है गवर्नमेंट हार रही है बिल्कुल, इसलिए कि महंगाई एंड अदर थिंग्स, शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा ना हो और फिर उनको जाहिर है दे हैव टू पे द कॉस्ट। और दूसरी बात यह है कि फ्री वोट है, प्रेशर नहीं डाल रहा है, शोस के फ्री है, ठीक है, मैं तो आई एम नॉट अनहैप्पी। राइट, ये वासिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद, हमारे मर्दान से कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनसे भी मैं कमेंट ले लूं, फिर इमरान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी।
वासिफ, आप मर्दान में मौजूद हैं, क्या यहाँ पर सिचुएशन रही सारा दिन और फिर अब तक जो रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ तहसीलों के काउंसिल्स के, तो उसमें क्या सिचुएशन है, कौन आगे है कौन पीछे है? समीना देखें, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ को अक्सर जगह पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि दीगर जो जमातें वो ऊपर आ रही हैं। यही सूरत हाल मर्दान के अंदर भी है। यहाँ पर ये मर्दान खैबर पख्तूनख्वा की दूसरा बड़ा ज़िला है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने पिछले इलेक्शन के अंदर जो बल्दियात के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर अच्छी खासी लीड ली थी, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट हो रहा है। और अब तक की जो 20 पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट आया उसमें अवामी नेशनल पार्टी जो सबसे ऊपर जा रही है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम दूसरे नंबर पर, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का जो 1746 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर गई हुई है। और जब हम रात को यहाँ पर लाहौर से पहुंचे थे तो यहाँ पर हमारी जो मकामी लोगों से बात हुई तो तभी ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर पिटेगी। इस जिला से जो वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान भी यहाँ से मुंतखब हुए, जबकि आतिफ खान भी, और दोनों के दरमियान जो तंजीमी मामलात में जो खिलाफात हैं उसके जिक्र किया जा रहा है। वासिफ, जब आपने रात को मकामी लोगों से बात की और वो आपको नाला नजर आए पीटीआई से, तो क्या वजूहात क्या बताते थे, क्यों वो पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते थे, क्यों दूसरी जमातों को वोट देना चाहते थे? इमरान साहब, सबसे बड़ी जो वजह इसमें महंगाई है। महंगाई से सिर्फ ना सिर्फ पंजाब, सिंध और दीगर जो सूबे हैं उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी तरह लोग मुतासर हैं। यहाँ पर जो रिवायत रही है कि कभी भी जो एक सियासी जमात को दो बार मुंतखब नहीं किया जाता, लेकिन तहरीक इंसाफ को दो बार मौका दिया गया, अब तीसरी बारी में जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो बुरी तरह पिटने लगी है। आपको याद होगा लाहौर में फवाद चौधरी ने सीनियर साफियों से मुलाकात की, तो इतफाकन आप भी उसमें मौजूद थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वजीर आजम इमरान खान और फवाद चौधरी और चंद एक रहनुमाओं के अलावा तमाम इस चीज की मुखालफत कर रहे थे कि जो बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जाएं, क्योंकि महंगाई की वजह से, दीगर मामलात की वजह से पीटीआई को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लाहौर में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे कैंटोनमेंट के, तब भी आपने देखी थी किस तरह से बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ता, और यही सूरत यहाँ पर भी है। राइट वासिफ, आपका शुक्रिया। मैं इमरान साहब से जरूर इस पे कमेंट। इमरान साहब, अगरचे लोकल बॉडीज के लोग आकर महंगाई तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अवाम के लिए एक ये कह सकते हैं हम कि अपने गम और गुस्से का इजहार करने का एक मौका बन गया लोकल बॉडी इलेक्शन। समीना, आपको याद होगा जिस मीटिंग का अभी इन्होंने जिक्र किया था वासिफ ने, मैंने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सवाए उनके और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पीटीआई का कोई भी काबीना का रुकन बल्दियाती इंतहाबात करवाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने परफॉर्म उस तरह से नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब होता क्या है अलमिया, ये बड़े वानों में रहने वाले, बड़े वानों में बैठने वाले, वो उनके गिर्द एक ऐसा जाल बुन दिया जाता है कि उनको हकाइक का पता ही नहीं चलता, उनको सिर्फ उन चीजों का पता चलता है जो रिपोर्ट उन तक पहुंचती है, क्योंकि आम आदमी तक तो उनकी रसाई खत्म हो जाती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अवाम से आप रابطے की बात करें कि सिटीजन पोर्टल हो या डायरेक्ट टेलीफोन हो या, तो उन तक वो कितनी कोई इतलात पहुंचती हैं अवाम तक, तो जिन लोगों से उनकी पुरानी, या आप यकीन करें कि वो लोग जो 22 साल से उनके साथ जदोजहद में शामिल थे वो हमें मिलते हैं तो शिकायत करते हैं, गिला करते हैं कि हमारी तो रसाई नहीं है। तो आपको लगता है कि वो चूंकि उन पर सही सिचुएशन क्लियर नहीं थी तो वो इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि जी हम जाएंगे लोकल बॉडी इलेक्शन में। मैं आपसे एक और बात कर दूं यहाँ पे, याद है आपको जब मैं कहता था, हिलाली साहब से भी बात होती थी, मैं कहता था कि महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पे इन्हें भुगतना पड़ेगा, अब वो चीज देखे सामने आ रही है। और हिलाली साहब उस पर ये कहते थे कि लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोग लगता है हिलाली साहब समझ नहीं पा रहे कि महंगाई की वजूहत क्या है, लेकिन एनीवेज इस पर मैं बाद में बात करती हूँ, जरा पहले कमाल है। अब अभी मैं आती हूँ, कमाल है यार, कमाल है। मैं दो दिन से कितने दिन से कह रहा हूँ महंगाई का बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा लबस जबरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है। बहरहाल अगर आप समझते हैं यू आर राइट, आई से यू आर राइट, हाँ एग्जैक्टली वो ये चीज है कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड करें ना करें, लेकिन उन्हें ये पता है कि जी महंगाई है, उसके वो वजूहात पे जाए बगैर। शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं डीआई खान से, हमारे उनसे जरा डीआई खान की सूरत हाल जान लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफी जमीयत उलमा इस्लाम का जोर रहता है शहजाद, लेकिन जाहिर है कि हमने देखा कि अपनी नशस्त भी इसमें आम इंतखाबात में नहीं जीत पाए थे मौलाना साहब, लेकिन ये बल्दियाती इंतखाबात में काफी डिस्टर्बिंग रिजल्ट अभी तक हमें सुनने में मिल रहे हैं
पीटीआई के लिए। आज डीआई खान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम आपने बात की है और सूरतेहाल यही लग रही थी कि जे यू आई यू आई फे और जो है तहरीक इंसाफ के दरमियान कड़ा मुकाबला जो है डेरा इस्माइल खान और इसकी तहसीलों में होगा। तो बिल्कुल ऐसी सूरतेहाल हमें शहर में भी इस वक्त नज़र आई है। जब हमने अब तक के जो नताइज आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर सूरतेहाल ये है कि नीचे की जो सीटें हैं जिसमें काउंसलर की हैं जो है वो सीटें और लेबर काउंसलर की वो जो है जे यू आई फे के जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं, जबकि जो बड़ी सीटें हैं वो इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के जीत रहे हैं। यहाँ सूरतेहाल थोड़ी सी इस वजह से मुख्तलिफ हमें आज नज़र आई है, लोगों से जब हमारी बातचीत हुई है इसमें जमात से ज़्यादा तहरीक इंसाफ से लोग सबसे ज़्यादा महंगाई की वजह से यहाँ भी परेशान हैं, लेकिन उनको इंडिविजुअल जो यहाँ के कैंडिडेट हैं अली अमीन गड्ढापुर उनसे जो है वो गिले शिकवे कम हैं, वो और वो इनफरादी तौर पर लोग जो हैं वो उनको जो है वोट देना पसंद कर रहे हैं, उनके हिमायत याफ्ता जो लोग हैं उनको लोग वो पसंद कर रहे हैं और वो ज़ाहरी बात है वो तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर लोग लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से लोगों को जो हिमायत हासिल है ये एक एलिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यही सूरत हाल ना सिर्फ डेरा इस्माइल खान शहर बल्कि जो दीगर तहसीलें हैं उनमें भी यही ट्रेंड हमें जो है वो इस वक्त तक जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक नज़र आ रहा है। ताहम ओवरऑल बड़ा एक पुरअमन जो नज़र नहीं आ रहा था कि लगता था कि यहाँ पर काफ़ी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन कल एक अफसोसनाक वाकया यहाँ पर पेश आया जब सिटी मेयर के लिए जो उम्मीदवार थे उमर खिताब शहजाद, मुझे ये बताएं कि उमर अमीन गंडापुर जो हैं उनके हवाले से शहर में क्या पोजीशन है, आप क्या समझते हैं कि वो कामयाब होंगे? जी इमरान साहब, इसमें फिल वक्त उनके जो इलेक्शन थे उमर अमीन गंडापुर के वो मुअत्तल इस वक्त मंसूख किए गए हैं, क्योंकि कल एक अफसोसनाक वाकया जो यहाँ पर पेश आया, जो कैंडिडेट थे इसी सीट के वो उमर खिताब शेरानी वो उनको जो है घर के बाहर जो है वो कत्ल किया गया गोलियां। बिल्कुल ठीक है, तो अफसोसनाक वाकया पेश आया, यहाँ पे पोस्टपोन हो गया। चलिए शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और ये थी जनाब डी आई खान की सूरत हाल, यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि थोड़ा कांटे का मुकाबला तो रहा है जे यू आई में भी और पी टी आई में भी, लेकिन वैसे इमरान साहब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में रहते हैं मुख्तलिफ अपने बयानात की वजह से, लेकिन लग रहा है कि हल्के की सियासत में वो काफ़ी इन रहते हैं और जैसे वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि उनके जो हमायत याफ्ता लोग हैं उनको बहरहाल लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि वहाँ उनके पास वसाइल हैं, हकूमत में रहते हुए अगर आपके पास वसाइल भी हों और आप इलाके में काम कर रहे हो तो लोग फिर आपको पसंद करते हैं। जो शहजाद फरीद बता रहे थे उसके मुताबिक तो यही लगता है कि अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में काम करवाए हैं और अगर उन्होंने काम करवाए तो फिर यकीनन उसे उसका फल भी मिलेगा। कैंपेन का बिल्कुल फर्क पड़ता है, लोकल बॉडीज में तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही पड़ता है, असल में लोकल बॉडीज बंदे तक एक्सेस कर रहे होते हैं। और कैंपेन के अलावा एक और बात समझाइए, इन इलेक्शंस में सिर्फ जमात का ही फर्क नहीं पड़ता, इसमें जाती ताल्लुक से बड़ा फर्क पड़ता है, जाती रेपो से बड़ा फर्क पड़ता है और जात बरादरी से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपके ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे हैं, आपकी रेपुटेशन अच्छी है और आपकी बरादरी भी वहाँ काफी ज्यादा तादाद में है तो फिर इन तीनों चीजों से आपके रिजल्ट में बड़ा फर्क पड़ेगा। हिलाल साहब, इसे आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये सिर्फ ये नहीं है कि लोग ये देख रहे हैं कि जी किस सियासी जमात का बंदा है इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशन बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं लोकल बॉडीज में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हसाम अहमद हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हरिपुर से, उनसे भी जान लेते हैं क्या वहां पर हरिपुर में सिचुएशन है। हसाम, यहाँ पर कौन सी पार्टीज हैं जो लीड करती नजर आ रही हैं आपको और क्या तगड़ा मुकाबला आपको नजर आ रहा है? पीएमएलएन भी कहीं एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि अभी तक जो हम मुख्तलिफ रिजल्ट देख रहे हैं उनमें कुछ हमें कोई खास नजर नहीं आया है कि पीएमएलएन के कैंडिडेट ने बहुत अच्छे वोट लिए हों। जी बिल्कुल समीना, एक तो आपकी आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है तहसील हरिपुर के अंदर और यहाँ पे अगर मुझे एग्जैक्ट सवाल समझ आया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील चेयरमैन के लिए यहाँ पे मुकाबला तो होना चाहिए था दो बड़ी पार्टीज़ के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम नून और तरीके इंसाफ है, लेकिन यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो समीउल्लाह खान, वो बर्तरी हासिल किए हुए हैं, पाकिस्तान जो है तरीके इंसाफ वो पीछे है, जबकि नू लीग
अभी तक के जो नतीजे हैं उसमें वो मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये समीउल्लाह खान को पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से जो है वो टिकट नहीं दिया गया था और उसके बाद इन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला किया और अब वो ये मुकाबला काफ़ी हद तक बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। लेकिन नतायज अगर हमने सरकारी सतह की बात करें तो सिर्फ 25 पोलिंग स्टेशन के नतायज सरकारी सतह पर जमा हुए हैं, जो कि बिल्कुल बहुत कम है। 400 पोलिंग स्टेशन के नतायज आते आते पूरी रात गुजर जाएगी अगर सरकारी जाए गैर सरकारी। अभी मैं हसाम ये जो समीउल्लाह खान है ये मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे जो MLA है उनके कोई करीबी अजीज भी हैं, रिश्तेदार हैं? जी बिल्कुल, उनकी बड़ी हमायत है और इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है और ये इनको टिकट नून लीग की जानिब से जारी नहीं किया गया था, जिसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और हमें नजर भी आ रहा है कि लोगों की सपोर्ट और वोट उनको आज बड़ी तादाद में पड़े हैं। और हालांकि ये सिटी हरिपुर से भी ताल्लुक नहीं रखते, साथ जो उनका है वो इलाका वहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं और सिटी हरिपुर से भी वो बढ़तरी हासिल किए हैं। और कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हो रहा आप MLN के लिए उन्हें टिकट ना देना, क्योंकि जाहिर है उनके कैंडिडेट कहीं मुकाबले में भी नहीं है। ये वही बात है समीना जो अभी हम कर रहे थे, और भी ये फैक्टर और भी हैं। और ये देखिए मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, ये मुस्लिम लीग नून के ही कारकुन थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी बरादरी वहाँ पे और उनके ताल्लुकात, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, इसलिए वो अभी बढ़तरी ले रहे। बिल्कुल ठीक है। और ये जाहिर है MLN के लिए भी थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है कि वो वहाँ पर अभी तक KB में कोई खास नहीं हासिल कर पाई है पॉइंट, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी रिजल्ट आ रहे हैं। इदरीस अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है जनाब कोहाट से, जरा वहां की सिचुएशन जानते हैं। इदरीस कोहाट में आप मौजूद हैं, यहाँ किसका पलड़ा भारी अभी तक नजर आ रहा है? अभी तो खैर बहुत कम रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जो अब तक पहुंचे हैं उसमें कौन आ गया? अजी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोहाट सिटी में और इस वक्त जो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज का जो सिलसिला है वो आता जा रहा है। चूंकि अभी जो पोलिंग स्टेशन से जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर AC ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस है यहाँ पर, वो लाया जा रहा है और यहाँ पर इनके जो फॉर्म 45 है वो यहाँ पर जमा कराया जा रहा है। लगभग अभी तकरीबन 35 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन के यहाँ पर जो रिकॉर्ड हैं, जो पेपर्स हैं और जो यहाँ पर जमा कराए चुके हैं, क्योंकि अभी दीगर तकरीबन यहाँ कर बात करें टोटल 486 पोलिंग स्टेशन थे इस पूरे कोहाट जिले में, और जो कोहाट सिटी थी यहाँ पर 250 के से जाहिर जो पोलिंग स्टेशन से भी इस कोहाट सिटी के थे। इसी तरह गुम्बट है, उसके अलावा लाची का इलाका है और दारा आदम खेल का इलाका यहाँ पर है, जिसके पर ओवरऑल जितने टोटल 486 पोलिंग स्टेशन थे, उसके अलावा 47 उम्मीदवार यहाँ पर मर्द मुकाबले थे। अगर कोहाट सिटी की बात करें तो यहाँ पर PTI वर्सेज PTI देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे अभी पलड़ा भारी है वो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं शफी जान, और उसके अलावा जो दूसरे पे आ गए वो JUIF के मौलाना शेर जमान है, जबकि नून लीग के मोहम्मद शाकिर तीसरे पे, जबकि अगर PTI की बात करें तो वो अभी इस वक्त कोहाट सिटी से वो चौथे नंबर पर अभी जो है यहां पर कोहाट सिटी में मौजूद है, और पांचवें पे पीपल्स पार्टी जो है यहां पर अभी इस टाइम जो पड़ रहा है, जो चल रहा है, जो काउंटिंग आ रही है इस टाइम, जो आजाद उम्मीदवार है शफी जान वो इस टाइम तकरीबन 3000 की जो लीड पर है वो यहां पर ज्यादा है। अगर बात करें जो PTI की वर्सेज PTI, तो ये शफी जान है, ये PTI के काफी मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन इनको टिकट नहीं जारी किया गया। उनकी जगह पर यहां पर सुलमान शिनवारी जो है, जो अभी इस वक्त सिर्फ 600 तकरीबन 700 या 750 के करीब जो है यहां पर अभी तक वो सिर्फ वोट हासिल कर सके हैं इस कोहाट सिटी से। PTI की जानिब से सुलमान शिनवारी को जो है यहां पर दिया गया, जबकि शफी जान यहां पर एक बड़े पुराने जो है इनके वालिद साहब भी यहां पर PTI के कैंडिडेट रहे, जबकि आपने इस बारे में अपडेट किया। नाज़रीन अभी तक की सिचुएशंस ये हैं। इमरान साहब, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाह रही हूँ, शॉर्ट सा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अगर PTI के लिए ये इलेक्शंस कुछ हॉरिबल साबित होते हैं KP में, अभी तो ज़ाहिर है कबल अज़ वक्त कुछ कहना, लेकिन अगर होते हैं तो आप समझ रहे हैं पंजाब में बलदियाती इलेक्शन करवाने की हिम्मत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, और मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद बलदियाती इलेक्शन से पहले, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन से पहले शायद कहीं पर आपके आम इंतहाबात ही ना हो जाए। अच्छा, हाँ जी, और PTI मैं नहीं समझता कि फिर पंजाब में हिम्मत करे। ठीक है, लाली साहब भी कुछ कमेंट करना चाहें। जी लाली साहब, आप भी कर लीजिए। पहले बात तो ये है कि बड़ी अफसोस की बात है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, ये फायदा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, फायदा क्या है डेमोक्रेसी का, फायदा क्या है? जब मर्जी आप लोकल इलेक्शंस करें, आप समझते हैं अगर आप हार रहे हैं तो ना करें?
ये कोई तरीका है एक इलेक्शन को अप्रोच करना? हम तो सर बाय ये कोई तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन के? यू आर राइट, नहीं, नो आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग. हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि हर इलेक्शन हो जो होना चाहिए. नंबर वन, नंबर वन, हार जीत की छोड़ें आप. दूसरी बात ये है, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं वो बक्से आ रहे हैं, 10 लोग फर्श पे बैठे हुए हैं, वो उल्टे हो रहे हैं और धड़ाधड़ लोग ग्रैब कर रहे हैं वो बैलेट्स को. क्या आप समझते हैं इन लोगों की काउंटिंग अरेंज 10 घंटे, ये कितने हो गए जी, 6 घंटे, 5 घंटे तो हो गए हैं, और आपने मुझे एक इलेक्शन नहीं बता सकी कि व्हाट इज द रिजल्ट. आई मीन इट्स रिडिक्यूलस कि जब आपके पास मॉडर्न मींस है, एक मॉडर्न टेक्निक्स है, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, यही आप जमीन पे बैठ के नोच रहे हैं नोटो बैलेट्स को और फिर गिनना चाहते हैं, और जो मशीन आता है वो 1 मिनट में रजिस्टर करके गिनता है और बता देता है. यू डोंट वांट दैट, बता देगा बिल्कुल. क्या ये किस किस्म के लोग हैं? मैं समझ बिल्कुल ठीक है, ये चीज देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें बेहतर हो जाए और एक कंसेंसस के साथ हो जाए. बिल्कुल, हम ये कहेंगे, जरूर कहेंगे सबसे कि हिलाली साहब की जो बात है ये जरूर मानी जाए और ईवीएम पे गौर करें. इन्हें चाहिए था कि ये टेस्ट केस के तौर पे लेते हैं, कम से कम केपी में तो करवा लेते, वहां पे करवाते. ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, कल तक रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है. लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट इवेंट की जो आज इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो पाकिस्तान ने OIC का इजलास हंगामी तौर पर बुलाया, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे, क्या बातचीत हुई, कितनी हेल्पफुल होगी ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के लिए, इसके हवाले से खसूसी गुफ्तगु उस ब्रेक के बाद. Foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. The point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis. Welcome back, Nazreen. Prime Minister of Pakistan, ko aapne suna. ये OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे आज, और उन्होंने अफगानिस्तान का मुकदमा, उनके मामलात, उनके हालात और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको रखा सबके सामने. और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हम कंटिन्यूसली उनको देख रहे हैं कि वो बड़े अच्छे से, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि शायद अफगान उमूर के एक्सपर्ट लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब सारी दुनिया को. मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो भी आके अफगानिस्तान के हवाले से स्पेशली उनसे इंटरव्यू भी करते हैं और उनसे सारी बातचीत भी करते हैं. लेकिन बहरहाल आज जो ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के लिए कि मुस्लिम उम्मा एक जगह पर इकट्ठी थी और पाकिस्तान उसका मेज़बान, और पाकिस्तान एक मुतहरिक किरदार अदा करने की कोशिश भी कर रहा है. लेकिन ये कोशिश, बहरहाल कोशिश है, किस हद तक कामयाब हो सकती है इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है. जो ओवरऑल इसमें से कुछ सजेशंस हैं या जो कुछ आप कह लें कि जो चीज़ें तैयार की गई हैं कि भाई इन पे होना चाहिए, वो क्या है, वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ और फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं. पहली जो चीज़ है वो ये कि जी OIC के अंदर ही एक ऐसी राह निकाली जाए जिससे अफगानिस्तान को मतलूबा माली और इंसानी इमदाद OIC के मेम्बर्स या दीगर डोनर्स की तरफ से बआसानी पहुँचाई जा सके. दूसरा ये कि हमें अफगानिस्तान की आवाम में अपनी सरमायाकारी बढ़ाना होगी, जैसा कि अफगान नौजवानों की तालीम, सेहत और तकनीक की महारत बढ़ाने के लिए. तीसरा ये कि एक ग्रुप तश्कील दिया जाए जिसमें OIC, अक्वामे मुत्तहिदा और बैन अल-अक्वामी मालियाती इदारों के माहरीन शामिल हों जो अफगानिस्तान की कानूनी बैंकिंग सेक्टर तक रसाई मुमकिन बनाएं. चौथा ये कि हमें अफगान अवाम के लिए खुराक का तहफ़ यकीनी बनाना है, इस्लामी तंजीम बराए तहफ़ खुराक को इस अमल की रहनुमाई करनी चाहिए. पाँचवा ये कि अफगान इदारों की सलाहियत बढ़ाई जाए कि वो दहशतगर्दी और गैर कानूनी तजारत की रोकथाम कर सकें, और आखिर में ये कि हम अफगान हुकाम के साथ राबता रखें और उनकी मदद करें ताकि वो बैन अल-अक़वामी बरादरी की तवक्कात को पूरा कर सकें, खासकर सियासी और समाजी उमूर में तमाम मकातिब फ़िक्र की शमूलियत, इंसानी हकूक, खसूसी तौर पर ख़वातीन और लड़कियों के हकूक की पासदारी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वगैरह. तो ये जनाब इसके मकासद हैं, और क्या ये मकासद पूरे हो पाएंगे या नहीं, एक्सपर्ट से जानेंगे. पहले जाऊँगी हिलाली साहब की जानेब. हिलाली साहब, बातें तो सुनने में ये अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप समझ हैं कि OIC की इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इन पर अमल भी हो सकेगा? जी क्यों नहीं. पहली बात तो ये है मेरे ख्याल में कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दाद देना चाहिए
कि वो जो उन्होंने तकरीर किया, वो जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किया, कोई और जो बोला है उनके बाद या उनके पहले या अब, कोई भी नहीं रेज किया। और ये बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए ये हमें बताता है कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है ओआईसी पे। मैं किसकी बात, मैं क्या कह रहा हूं? पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि जो लव सैंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा था और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने सैंक्शंस का लव इस्तेमाल किया था, मगर प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड स्टेट सैंक्शन के बारे में कहा था और कहा था कि इसको लिफ्ट करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, दाद देता हूं मैं उनको कि कम से कम उन्होंने ये कहा, हालांकि और किसी को हिम्मत नहीं है करने के लिए। वो जीसीसी स्टेट्स और अफ्रीका ग्रुप और एशिया ग्रुप जिक्र ही नहीं किया सैंक्शंस का। दूसरी बात, इस्लामोफोबिया वो उनका एक पुराना ये है। फिर उन्होंने क्या कहा, कहने लगे अमेरिका को नाम लेके, कहने लगे फासला रखो गवर्नमेंट से और हुकूमत से। तुम लोगों को तालिबान नहीं अच्छे लगते, ठीक है, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तालिबान के साथ, सब जानते हैं, और उनको तुम मदद नहीं करना चाहते हो, ठीक है, मगर अवाम ने क्या गुनाह किया है कि उनके पैसे तुमने पकड़ लिए हैं, उनको तुम पनिश कर रहे हो? ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। बड़ी अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने कहा। और तीसरी चीज उन्होंने कहा जो मैं चाहता हूं कि हर वक्त हर आदमी, हर पाकिस्तानी सफीर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब बोले वो उसका जिक्र करे, और वो है कश्मीर का और वो है फलस्तीनियों का। तो ये 10-15 मिनट के स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने ये तीनों पॉइंट्स टच किए थे, और मुझे नहीं याद है कि कोई और भी नहीं किया। ये हालत है ओआईसी का, और ये हालत है ओआईसी की डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट। ठीक, अब आपको मैं बताता हूं जो चीजें नहीं हुई हैं जो होने चाहिए थी। आप तो पढ़ के बता दिए हैं ना कि क्या एग्रीमेंट किस चीज पे हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर किस चीज पे नहीं हुआ है वो भी सोचिए। सैंक्शंस खत्म नहीं हुए, ये तो मैंने अभी से जिक्र कर लिया था। फ्रोजन फंड्स, जो पैसे आपने रैंसम करके अमेरिका ने लिया है कि तुम जब ये करोगे फिर हम दोगे, वो फिर पैसे हम देंगे, वो आपने नहीं दिया वापस। बैंकिंग चैनल्स को जानबूझ के आपने उसको शुरू नहीं किया और ना कर रहे हैं, और उसका कोई प्लान ही नहीं है फिलहाल। और फाइनली या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने जो किया है, जो अफसोस से किया है, आपने सबको कह दिया है कि हमारा कोई एपेटाइट नहीं है रिकग्निशन के लिए तालिबान का। भूल जाए रिकग्निशन, हमारा कोई एपेटाइट नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, आपकी जो बातें उनको होंगी इनडायरेक्टली होंगी, थ्रू थर्ड पार्टीज होंगी, हालांकि आज आपका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वेस्ट डायरेक्टली मुत्तकी से मिला है और उससे बात किया है। देखिए ये जो अप्रोच है ना अमेरिका का, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, ये टाइम नहीं है। 97% 100% समझे, भूख है, भूख, हंगर, 100% हंगर है। 75% बजट अफगानिस्तान का अमेरिकन देते थे, उन्होंने उनको सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं किया ना 20 साल में, खुद पैसे देते थे 75%, और एक दिन कहने लगा खत्म, फिनिश, और कुछ एड नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ लावारिस छोड़ दिया उन्हें, वेरी राइट, अफसोस की बात। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इस बात से लिया, और कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर जोर दे रहे हैं कि इंसानी अलमिया जन्म, ये इंसानी हमदर्दी पर और अफगान अवाम के लिए स्पेशली पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, ना कि हम कोई पर्टिकुलरली किसी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इमरान साहब, थोड़ा सा इससे मैं आगे बढ़ाऊंगी डिस्कशन को, अच्छी एफर्ट थी ठीक है, लेकिन क्या जो मुस्लिम उम्मा है वो अमरीका की आशीर्वाद के बगैर, उसकी हिमायत के बगैर अफगानिस्तान की मदद कर सकेगी? जैसे कि खुद हिलाली साहब ने अभी कहा है कि वो तो बात नहीं कर सक रहे, तो मदद कैसे करेंगे? देखिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हें कभी ना कभी ये कदम उठाना पड़ेगा, और ये जितनी जल्दी कदम उठा लें उतना ही पूरी उम्मा के लिए बेहतर है।
आप सिर्फ उम्मा उम्मा मुस्लिम उम्मा का नारा लगाते रहें, बातें करते रहें, अमलन कुछ ना करें, अमलन आप सिर्फ अमरीका बहादुर की बातें माने और उनके इशारे देख के चलें, तो फिर आप ज़्यादा देर तक बाइज्जत तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया तो फिर आप कहाँ की बादशाहत और कहाँ की हुकूमत और कहाँ की ये चीज़ें। आप देखें कि एक जो जैसे लाली साहब फरमा रहे थे कि भूख वहाँ पे कितनी है, UNDP जो अक़वामे मुत्तहिदा का इदारा है उसके मुताबिक अगर इस बहरान को हल ना किया गया तो 97% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, उनका तो वो हाल होगा। मैं सिर्फ आपसे ये कर दूं कि अक़वामे मुत्तहिदा का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने एक तमीना लगाया अफ़गानिस्तान में, वो कहते हैं कि 2,22,00,000 जो अफ़गानिस्तान की आधी आबादी से ज़्यादा बनता है वो जो है इस वक्त खुराक के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, यानी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनको खुराक का मसला कोई पता ही नहीं। 90,00,000 लोग जो हैं वो इस सूरत हाल में कि कहत उनसे सिर्फ एक कदम के फासले पर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद आप देखें 95% अफगान जो है वो उनको रोजाना खाना नहीं मिल रहा, यानी वो हर रोज खाना नहीं, अगर एक दिन बाद, दो दिन बाद या तीन दिन बाद मिल जाए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और 32,00,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। आप ये सारी चीज़ें फिर देखें। फिर उसके अलावा वो कहते हैं जी सितंबर 2021 तक तकरीबन जो है ना 6,50,000 अफगानी बेघर हुए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, 3,00,000 से ज़्यादा अफगानी पाकिस्तान माजरीन के तौर पे आ चुके हैं। अगर ये सूरत हाल ठीक नहीं होती तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही मुतासिर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए लोगों के सामने बातें कर रहा है, लोगों को मना रहा है, लोगों के सामने उनका केस पेश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि अफगान अवाम का मसला हल हो, उनके लिए वहाँ बेहतरी आए। अब अफगान अवाम को भी ये चाहिए, अफगान हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, आज तौर पे मैं बात कर रहा हूँ TTP की, उस हवाले से वो भी पाकिस्तान का ख्याल करें और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लगाएं। और बिल्कुल ठीक है। एक शॉर्ट सी बात में लाल साहब की तरफ जाती हूँ, ये तालिबान को तस्लीम करने की तो किसी ने बात ही नहीं आज की, कोई तस्लीम नहीं करेगा तो कैसे मदद करेगा। इशू यही है ना, अमरीका बहादुर नहीं ना चाहता, अमरीका बहादुर जब इशारा करेगा तो ये तस्लीम करने की बात करेंगे। अमरीका तो कह दिया ना, उसने तो झंडी दिखा दी है। बिल्कुल ठीक है। अभी तस्लीम करने की बात ही ना करे, हमारा तो कोई इरादा लाल साहब तस्लीम वाला तो फिर मामला इसका मतलब है होगा नहीं, तो फिर तस्लीम के बगैर ही क्या सारे मदद कर लेंगे। देखिए ये कितनी छोटी बात है और कितने छोटे लोग हैं अमेरिकन, हालांकि उनका जेब इतना भरा हुआ है और इतने बड़े हैं, इनका दिल देखिए कितना छोटा है। ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं तालिबान के साथ, आखिर उनके साथ तो इन्होंने अग्रीमेंट बात करके अग्रीमेंट साइन किया है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक डोमेस्टिक इश्यू बन गया है। बाइडन जो है वो कहता है कि रिपब्लिकन्स मुझे खा जाएंगे अगर मैं तालिबान के साथ नरमी करूं, लिहाजा तो अब तालिबान से तो मैं सख्ती नहीं कर सकता, इन द सेंस के उनको तो नहीं पकड़ के मार सकता हूं, तो पूरे कौम को मारवाऊं, मैं पूरे कौम को पनिश करूंगा, इसलिए कि इनको पनिश करने के लिए, क्योंकि ये एक छोटा सा मेरा डोमेस्टिक इश्यू है। सोचिए तो सही, ये है आपका तरीका, लोग मर रहे हैं भूख से और आप डोमेस्टिक इश्यू बना रहे हैं और आपने क्या इलेक्शन लड़ना है, आप 82 साल के होंगे जब आप रिटायर होते हैं 4 साल के बाद। और वैसे भी आप डेमोक्रेट, नहीं बात सुनिए मेरी, वैसे तो आप कहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, नहीं एक अभी आप इमरान याकूब ने अभी कहा था, ठीक कहा कि हम लोग 3,00,000 लोग आ गए हैं, मगर ये 3,00,000 लोग मुझे थोड़ा समझाएं, इमरान ये समझाएं मुझे क्यों ये प्राइम मिनिस्टर उठ के कह दिया है कि ये 3,00,000 ये दो लाख सत्तर हजार लोग हैं, इनको हम वापस भेजेंगे, फैसला कर लिया है। अरे भाई ये तालिबान से बच के भाग के आए हैं, ये वो लोग हैं जो एयरपोर्ट पे गए थे भागने के लिए, इनमें खुदा जाने कितने हैं जो दुश्मनी है तालिबान के साथ। आप इनको या आप इनको सॉर्ट आउट करें, या अगर आप इनको सब भेज दें तो बहुत सारे मारे जाएंगे, वो तो फौरन कत्ल कर देंगे इनको। और ये लोगों पे आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है जब 3 मिलियन लोग 40 साल से इधर बैठे हुए हैं। लेकिन
और जो हर शाख में डिसीजन दिस इज नॉट करेक्ट, ये लोग भाग के आए, ये डर से आए हैं। हिलाली साहब, पाकिस्तानी मंदूब ने ये भी कहा है कि अगर इनमें से कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको नहीं भिजवाया जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग हंगर की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से भी आए। मैं एक लास्ट शॉर्ट सा कॉमेंट, आप दोनों से बिल्कुल वक्त में हो रहा है, लेकिन इमरान साहब ये बहरहाल ओवरऑल ये पूरी जो एक एक्टिविटी है पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर एक कामयाबी है, आप समझते हैं कि जाहिर है इतने ममालिक पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आज मौजूद थे उसकी कॉल पर? देखिए, पाकिस्तान के लिए कामयाबी आप इस हवाले से कह सकते हैं कि कामयाबी हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी कोशिश जरूर है। पाकिस्तान ने एक अच्छी कोशिश की है और कम अज कम इन लोगों को यहाँ इकट्ठे करके अपने ये साबित किया है, ये आगाज किया है कि जनाब देखें हम ये चाहते हैं ये मसला और पाकिस्तान इसको लीड कर सकता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है ये। इलाज साहब, आप इस पे कुछ शॉर्ट कमेंट करना चाहें, बिल्कुल लास्ट मिनट। देखिए, हमारी कोई खास चाहत नहीं है अफगान के साथ, जब उनको मौका मिला है हमें छुरी हमें हमारे साथ ये लड़े हैं और जंग किए हैं, मगर ऐसे मौके पे ये हमारा फर्ज बनता है इनको मदद करने और हमारा रिलीजियस फर्ज बनता है, बिल्कुल फर्ज बनता है। जो इस कॉन्फ्रेंस हैं वो पूरे भी हो सके, अचीव हो सके, क्योंकि जाहिर है इंसान कोई भी हो, कहां पर भी हो, किसी भी मजहब या किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक, बहरहाल उसकी कीमती है जान अनटिल अनलेस कोई वो ऐसी गैर कानूनी हरकत नहीं करता। बहरहाल जनाब, देखते हैं दुनिया की हद तक इनकी मदद करने में कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।